अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में ताखीर की तहरीरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लगता है इलेक्शन कमीशन मेंबरान को अंधेरे में रखा गया, चीफ जस्टिस के रिमार्क। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली वहीदा शाह के खिलाफ रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। कोयटा के इलाके सुई में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, 7 दहशतगर्द हलाक, 9 जख्मी हो गए। कराची में कत्ल होने वाले डिप्टी कमिश्नर गवादर अब्दुल रहमान की लाश तुर्बत रवाना, थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिरोजवाला कचहरी में दो ग्रुपों के दरमियान अहाता अदालत में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। मुंबई हमला केस, भारत ने अदालती कमीशन की रवानगी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कमीशन में एफआईए के 2 प्रोसिक्यूटर शामिल होंगे। पंजाब की सनतों के लिए गैस लोड शेडिंग कम करने का फैसला, हफ्ते में 3 दिन गैस मिलेगी, नोटिफिकेशन जारी। और न्यूयॉर्क में अक्वामी मुतहदा के दफ्तर में रंगारंग तकरीब, जापानी फनकारों की परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिया।